रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। पिछोर में युवाओं ने खोली निशुल्क ऑक्सीजन बैंक। आज पिछोर एसडीएम बी राजन नाड़िया ने युवाओं का आत्मविश्वास देखते हुए ऑक्सीजन बैंक का किया उद्घाटन। पिछोर के सरस्वती विद्या मंदिर के पूर्व छात्रों ने अपने मित्रों को श्रद्धांजलि देते हुए ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की। अश्वनी शर्मा एवं मनीष मिश्रा सब इंस्पेक्टर की याद में कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी से किसी भी मरीज की मृत्यु न हो, इसको गंभीरता से सोचते हुए सभी मित्रों ने धनराशि एकत्रित की और 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन खरीदी। जरूरतमंद व्यक्ति को ये मशीन उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, जिससे कोरोना से पीड़ित मरीज की जान बच सके। आज ऑक्सीजन बैंक का उद्घाटन पिछोर के एसडीएम द्वारा किया गया। एसडीएम ने सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई दी है और उनके कार्य की सराहना की है। आज पिछोर के कुछ युवाओं ने यहाँ ऑक्सीजन बैंक खोला है और उसकी ओपनिंग हुई है, क्या कुछ कहेंगे सर उनके इस कार्य के लिए? पहले तो जो युवा साथी हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रशासन की तरफ से। उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया हुआ है कि उन्होंने ऑक्सीजन बैंक खोला हुआ। ऑक्सीजन बैंक का उनका ये मतलब है कि यदि किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो वो यहाँ पर फ़ोन लगाए, यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया गया, फ़ोन नंबर के माध्यम से उसको वो तत्काल उसके घर पर वो ऑक्सीजन का सिलेंडर हो या कंसंट्रेटर उसके घर पर पहुँचाया जाएगा, जिससे कि उसको सहायता मिल जाए। इसके लिए होता है क्योंकि कई बार आदमी थोड़ा सा बीमार होता है, बीमारी की से बचने के लिए वो अस्पताल जाना नहीं चाहते हैं, उनको लगता है अस्पताल जाएंगे तो ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं, तो वो चाहते हैं घर पर ही थोड़ा ठीक हो जाए। और अगर उनका मान लीजिए थोड़ा सा कम चल रहा है ऑक्सीजन, तो यहाँ से जैसे इनके पास फ़ोन आएगा यहाँ से अपना ऑक्सीजन सिलेंडर या कंसंट्रेटर उसके पास पहुँचाया जाएगा और पहुँचाने के बाद उसका निश्चित ही स्टेप होगा, वो उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, वो ठीक भी हो जाएगा। अगर उसके बाद भी कुछ दिक्कत होती है तो फिर अस्पताल रेफर किया जाएगा उसको। तो ये युवा जो साथी हमारे हैं इन्हें बहुत सराहनीय काम किया, इसके सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। पुनीत, आज आप सभी युवा सहपाठियों ने अपने दोस्तों की स्मृति में ऑक्सीजन बैंक खोला है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में आप? जैसा कि अपन को सब सर्वविदित है कि हमारा देश एक महामारी से जूझ रहा है, तो हम लोग जो पुराने स्कूल में पढ़े हुए सारे अभ्यर्थियों ने एक डिसीजन लिया कि हम लोग एक ऐसा काम करें जो समाज के हित में जाए। हम ही सहपाठियों ने मिल के सब कलेक्शन करके जो आदमी जिंदगी और मौत से जूझता है ऑक्सीजन के लिए, हम लोगों ने एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फ्लोमीटर वगैरह अरेंज किए अपने योगदान से, सभी के योगदान से, जिससे अंतिम समय में आदमियों की जान बचाई जा सके। इससे क्या कुछ लाभ लोगों को कौन कौन आ रहा है? इससे सर क्या होता है कि जैसे इस महामारी में सबसे पहले ऑक्सीजन डाउन होता है, ऑक्सीजन डाउन होने पर उसको जरूरत आवश्यकता पड़ती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की हमारे देश में थोड़ी कमी होने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का सहारा लिया जा रहा है, तो वही हमने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इसका उपयोग करने के लिए उपलब्ध कराया है।